नमस्कार, मैं श्वेता मिश्रा आवाज इंडिया टीवी के मंच पर आपका स्वागत करती हूँ। पूरे देश दुनिया को हिलाने वाली सबसे बड़ी खबर अमेरिका से है, जहाँ जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिका शहर बना सिएटल। सिटी काउंसिल में प्रस्ताव पारित किया गया। क्या है पूरी खबर, आइए डालते हैं एक नज़र। अमेरिका के सिएटल में जाति आधार पर होने वाले भेदभाव को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। पारित कानूनों के अनुसार सिएटल के भेदभाव विरोधी कानून में जाति को भी शामिल कर लिया गया है। अमेरिका में रहने वाले साउथ एशियन के बीच भेदभाव से जुड़े कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि 6-1 से पारित किए गए अध्यादेश के समर्थकों ने कहा कि जाति आधारित भेदभाव राष्ट्रीय और धार्मिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं। ऐसे कानून के बिना उन लोगों को सुरक्षा नहीं दी जा सकेगी जो जाति भेदभाव का सामना करते हैं। सिएटल सिटी काउंसिल में इससे जुड़ा एक अध्यादेश पास हो गया है। काउंसिल के एकमात्र भारतीय अमेरिकी लीडर शमा सावंत ने यह अध्यादेश पेश किया। उन्होंने कहा, जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई सभी तरह के अत्याचार के खिलाफ उठाने वाली आवाज से जुड़ी है। अमेरिका की सिएटल सिटी काउंसिल में पेश हुआ ये अपनी तरह का पहला प्रस्ताव है। समर्थक इससे सामाजिक न्याय और समानता लाने की दिशा में अहम कदम बताया जा रहा है। अमेरिकी यूनिवर्सिटी में भी जातिगत भेदभाव बैन। उन्होंने कहा, हमें ये समझने की ज़रूरत है, भले ही अमेरिका में भेदभाव उस तरह नहीं दिखता जैसे कि दक्षिण एशिया में हर जगह दिखता है, लेकिन यहाँ भी भेदभाव एक सच्चाई है। अमेरिका के स्कूल और कामकाज की जगहों पर जातिगत भेदभाव होता है। यही वजह है कि कई यूनिवर्सिटी ने जातिगत आधारित भेदभाव अपने भेदभाव विरोधी नीतियों का हिस्सा बनाया। दिसंबर 2019 में बैंडिस विश्वविद्यालय अपनी गैर भेदभाव नीति में जाति को शामिल करने वाला पहला अमेरिकी कॉलेज बन गया। सिस्टम कोलंबी कॉलेज, ब्राउन यूनिवर्सिटीज और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय डेविस सभी ने समान उपाय को अपनाया। वहीं हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने अपने स्नातक छात्र संघ के साथ अपने अनुबंध के हिस्से के रूप में साल 2021 में छात्र श्रमिकों के लिए जाति संरक्षण भी शामिल किया है। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी सिस्टम, कोलंबी कॉलेज, ब्राउन यूनिवर्सिटीज और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय डेविस सभी ने समान उपाय को अपनाया। वहीं हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने अपने स्नातक छात्र के संघ के साथ अपने अनुबंध के हिस्से के रूप में साल 2021 में छात्र श्रमिकों के लिए जाति संरक्षण भी शामिल किया है। अमेरिका में जातिगत भेदभाव के मामले। 2015 में नेपाल से अमेरिका आए 37 वर्षीय प्रेम पेरियार ने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। वो कथित निचली जाति के थे। पेरियार बताते हैं कि अन्य दक्षिण एशियाई लोग के साथ संपर्क के दौरान रेस्टोरेंट से लेकर कम्युनिटी प्रोग्राम तक उन्हें जाति की याद दिलाई जाती थी। वो कहते हैं, कुछ लोग मुझे जानने के नाम पर मेरा सरनेम पूछते हैं, जबकि असल में वह जानना चाहते हैं कि मेरी जाति क्या है। यह पता चलने के बाद मैं दलित हूँ, कुछ लोग मुझे अलग बर्तन में खाना देते हैं। 2020 में कैलिफोर्निया में एक दलित भारतीय इंजीनियर को सिलिकॉन वैली स्थित सिस्को कंपनी में जाति के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा था। इंजीनियर सिस्को के सैन होते हुए स्थित मुख्यालय में तैनात था। उसके कई भारतीय सहयोगी कथित ऊंची जाति से थे जो उसके साथ भेदभाव करते थे। इसे लेकर कंपनी पर मुकदमा किया गया था। अमेरिका में एक संगठन इक्वलिटी लैब ने 1500 दक्षिणी एशियाई लोगों के बीच एक सर्वे में पाया कि 67% दलित ने कार्यस्थल पर जातिगत भेदभाव झेला था। 40% छात्रों ने ऐसे अनुभव से गुजरने की बात कही। कथित ऊंची जातियों के छात्रों में भेदभाव का प्रतिशत सिर्फ 3 था। 40% दलितों ने यह भी कहा कि अपनी जाति के कारण उन्हें पूजा स्थलों में जाने में असहज महसूस कराया गया। इक्वलिटी लैब की संस्थापक थेनमोजी सुंदर राजन कहती है कि जाति को कानून के दायरे में लाना जरूरी है, क्योंकि फिलहाल इस आधार पर शोषण सहन करने वालों के पास कोई कानून की मदद नहीं है। ट्रामा कॉस्ट नामक की किताब की लेखिका सुंदर राजन कहती है, हम दक्षिण एशियाई लोगों को इतिहास ने इतनी सारी पीड़ाएं दी है, जब हम इस देश में आते हैं तो उन सारी पीड़ाओं को छिपा देते हैं और एक आदर्श अल्पसंख्यक बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाति की छवि अब भी यही है। साउथ एशियन समर्थन में भी और विरोध में भी दूसरी तरफ लगभग बराबर की संख्या में ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है, इस प्रस्ताव का मकसद दक्षिण एशियाई के लोगों को, खास भारतीय अमेरिकों को निशाना बनाना है। शमा सावंत खुद ऊंची जाति से आती है। उन्होंने कहा, हमें ये समझने की जरूरत है कि भले ही अमेरिका में दलितों के खिलाफ भेदभाव उस तरह नहीं दिखता जैसे कि दक्षिण एशिया में हर जगह दिखता है, लेकिन यहाँ भी भेदभाव एक सच्चाई है।
भारतीय मूल के कई अमेरिकों की राय है कि जाति को नीति का हिस्सा बना देने से अमेरिका में हिंदू फोबिया की घटनाएं बढ़ सकती है। भारत में जाति आधारित भेदभाव पर साल 1968 में रोक लगा दी गई थी और 1950 में संविधान में ये नीति शामिल की गई है।